नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। महेंद्रगढ़ क्षेत्र में मौजूद हैं और महेंद्रगढ़ का गांव है सीगड़ा। जैसा आपको पता है कि पंचायत चुनाव होने वाला है और साथ साथ जिला पार्षद जिला प्रमुख चुना जाएगा। और मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है और हर व्यक्ति चाह रहा है कि भाई मुझे वोट मिले, मैं आगे जाके काम करवा सकूँ, गाँव की सेवा करूँ, अपने ज़िले की सेवा करूँ। तो पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से उत्साह है लोगों में, क्योंकि दो साल से चुनाव नहीं हुआ था, गांव का बहुत बुरा हाल था और बहुत से साथी यहां पे मौजूद हैं और एक प्रत्याशी हमारे साथ यहां पे है, उनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कैसी तैयारियां चल रही हैं? आपके सामने लग रहे हैं तैयारियों में। मैं देख रहा था भीड़ अच्छी है, तो मैं सोचता हूँ भाई वीडियो बनाए, लोगों के पास पहुँचे, लोग जागरूक हों। तो क्या कुछ प्लानिंग है गाँव को? प्लानिंग तो यही कि डोर टू डोर कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले हाँ सभी से मिलेंगे। वैसे मैं 5 साल से लगातार गांव हर गांव में, पिछली बार भी चुनाव, हाँ बिल्कुल पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। तो लगभग क्या कुछ सिचुएशन से 10 साल हो गए होंगे आपको, तो 10 से 12 सिचुएशन अभी तो कोई मुकाबले में आया नहीं है, आया नहीं है। हाँ, कोई कैंडिडेट और मेरे हिसाब से कोई शायद मुकाबले में आए भी नहीं, और अपनी मेहनत करेंगे, जैसा भी रिजल्ट आए जनता है। गांव के लोग मौजूद हैं और ये डोर टू डोर कर रहे हैं, इन्हें करने देते हैं, डिस्टर्ब क्यों करें, क्योंकि वो अपने लोगों से मिलना है। तो गांव के लोग हैं। बाबा राम राम। राम राम। अपना यही गांव है? हाँ जी। तो भाई चुनाव लड़ रहा है, पिछली बार भी लड़ा था भाई, साथ है भाई, साथ है। क्या नाम है भाई का? जयराम राम। अरे वाह जी, बाबा राम राम। राम राम, कैसे हो? ठीक है, यही गांव है? यही गांव। तो कैसे, क्या माहौल चल रहा है गांव में इलेक्शन का? ठीक माहौल चल रहा है, सरपंच पार्षद सब एक है, सब एक है। तो पार्षद में अपना वार्ड 8 नंबर में आता है। हाँ। कितने कैंडिडेट हैं? जीवन है, जीवन ही है। हाँ, जीवन है ये फिलहाल, दो भाई जीवन ही है ऐसा। नमस्कार। क्या नाम है? राकेश कुमार। अच्छा, कितने हैं पार्षद अपने? भाई का वोट है, बाकी मेरे को नहीं मालूम। भाई का वोट है, वाह जी वाह। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। अपना गांव? गांव भवानिया। तो यहां कैसे, किसी काम से आए थे? नहीं जी, जीवन नेताजी के साथ हम। अरे वाह, मतलब दिल से सेवा करें, दूसरे गांव से गांव में जा रहे हैं। तो क्या आशंका लगती है? आशंका है भाई की, बाजी पार है, अब की बार बाजी पार है, पार तो हो जाएगी। फिर काम क्या क्या करवाए जाएंगे? काम जो कहेगा इलाका बोलेगा, हम तैयार हैं उस बात में। इलाका जो कहेगा, क्योंकि 2 साल से चुनाव नहीं हुआ, गांव का बुरा हाल है, अब तो बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, बुरा हाल तो हो रहा है, नाले नूली आकांड का सबका सब ठीक हो जाए। आपको कि ये काम सही तरीके से करवा पाएंगे? हाँ, इसीलिए तो चुना है, सही तरीके से कराएंगे जब भी। जी भाऊ जी नमस्कार। राम राम जी। नाम बताएं जी? कृष्ण कुमार। गांव यही है? हाँ जी। तो भाई साहब आए हैं वोट मांगने के लिए जी, कह रहे हैं कि भाई मैं काम करवाऊंगा, तो क्या कुछ आश्वासन इन्होंने आपको दिया, क्या आपने इनको दिया? देखो जी, यदि जैसे आश्वासन ने पिछली बार भी सहयोग हमने खूब किया था, थोड़ी सी कमी की वजह से रह गए थे, अब की बार वो कमी 100 की 100 पूरी होगी और हमें उम्मीद है कि पूरी तरह से अच्छी जीत होगी, उनके अच्छा काम कराएंगे। ये जैसे विमल जीत न होती हुए भी सामाजिक काम है, वो करवाने के लिए यहाँ हमेशा के लिए आते रहते हैं, हमेशा दुख सुख में अच्छी भले में हर एक काम में आ करके यहाँ सहयोग करते हैं। एक बात और सुनने को मिली है कि जो खिलाड़ी खेलता है उसकी बहुत मदद करते हैं, जिसके पास व्यवस्थाएं नहीं होती, पैसे की कमी होती है, कहीं खेलने जाना है, खेल के मामले में बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हर एक मामले में सपोर्ट करते हैं जी, जो भी जैसे विमल बच्चों को खेल कराना, सामाजिक कार्य जो भी हो, कहने का मतलब कोई भी सामाजिक कार्य हो, ये हमेशा सभी के लिए साथ रहते हैं जी। और जी भाऊ जी क्या बता रहे, कहाँ क्या? यदुवंशी में कराता थे, हमारी बच्ची भी करके गई है गेम। अच्छा, अच्छा। हाँ, शादी कर दी, इनका सपोर्ट रहा है? हाँ, सपोर्ट था बिल्कुल। वाह जी वाह। भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या चल रहा है गांव में? बिल्कुल अच्छा जी, बिल्कुल भाई जीवन राम के साथ है बिल्कुल। अच्छा, तो गांव में क्या होता है, युवा वर्ग होता है वो सबसे मजबूत होता है, क्योंकि बिल्कुल वो एक जगह बैठते हैं सारे। तो क्या चल रहा है गांव में? पहले युवा में बस, पहले सरपंच का बताएं। सरपंच में जी हमारे गांव में अभी डिसीजन हुआ नहीं है, कई कैंडिडेट, कई 4-5 कैंडिडेट है, ज्यादा हो गए। पार्षद का कोई है कैंडिडेट? अभी नहीं आया जी, अभी जीवन राम ही है। अच्छा, एक ही है? एक। अपना गाँव पूरा सपोर्ट कर रहा है? बिल्कुल फुल सपोर्ट है जी पूरे गाँव से। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे चुनाव में शराब का ज्यादा चलन होता है, तो ऐसा अपने गांव में? बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। और ना इस चीज के पक्ष में है जी, बिल्कुल पक्ष में भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन बहुत बड़ी मिसाल है शराब के, जो फेवर में नहीं है। और यहाँ पे काफी साथी हैं, भाई साहब कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। दो दो मोबाइल हाथ में ले रहे, मतलब पढ़े लिखे हैं। तो क्या क्या मानते हैं, कैसा सरपंच हो, कैसा पार्षद हो, कैसा प्रमुख हो अपने शहर जी? पार्षद तो हमारे लिए
मामा जी से अच्छा कोई नहीं है। अच्छा, आपके मामा जी हैं? हाँ, मेरे मामा जी हैं जी। मैं सीगड़ा गांव से हूँ, सत्या मेरा नाम है। और इन्होंने पीछे भी हमारे यूथ पावर क्लब के लिए या वैसे भी हमारे मंत्री परिषद के लिए जो भी योगदान दिए हैं, कभी भी हमेशा आगे रहते हैं। और युवाओं का साथ है, खेल परिषद का कहीं भी नाम आ जाए वहीं आके हाँ भाई जो करना है वो सब करते हैं। कबड्डी कुश्ती को लेकर बहुत एक्टिव? हाँ, वो तो एक्टिव रहते हैं। जहाँ इनको ये पता चल जाए यहाँ युवाओं की इस चीज़ की जरूरत है या कुछ भी, हमेशा आगे रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं जी, भाई यही कारण है कि सभी युवा भाई हैं जो, वो सब साथ हैं और साथ ही रहेंगे। ये तस्वीरें आप चारों तरफ से देख सकते हैं और एक गाड़ी यहाँ खड़ी है। आप देखें कि वार्ड नंबर 8 और सारी चीज़ें यहाँ पर लिखवा रखी हैं। फोटो देख सकते हैं आप अगर आप चाहते हैं, क्योंकि लेडीज सीट है इसलिए भाई साहब का नाम थोड़ा नीचे है और इनकी धर्मपत्नी है सुनील देवी। और बहुत से अक्षरों में ये देखें, यहाँ पे ध्यान दें, बीए, बीएड, एमए, एमएड, मतलब बहुत सी डिग्रियाँ हैं। मतलब पढ़ी लिखी महिला है जो आने वाले समय में गांव का विकास करवाएगी। और ये भीड़ मुझे आसपास के एरिया में दिखी नहीं है क्योंकि चर्चाएँ अभी शुरू ही हैं। क्या कुछ रहेगा चुनाव में वार्ड नंबर 8 से, आप क्या सोचते हैं? लगातार इनकी जो कवरेज हर गांव में ये जाएंगे, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा कि क्या इनका माहौल है और क्या कुछ आपका माहौल है। आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, हम आपके वहां भी पहुंचेंगे और कवरेज करके लोगों को जागरूक करेंगे। बने रहें इंडिया न्यूज़ 16 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।